हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 21 अगस्त 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम जो न्यूज़पेपर्स की इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि द हिंदू हुआ, न्यूज़ ऑन एआर, पीआईबी हुई, इसी के साथ ही इंडियन एक्सप्रेस हुआ, दैनिक जागरण हुआ, इनकी यहाँ पे न्यूज़ हम डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। तो आज की जो हमारी पहली न्यूज़ आई है वो आई है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के बारे में, विश्व मानवता दिवस। देखो, विश्व मानवता दिवस है वो हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है, तो ये चीज थोड़ी हमें ध्यान रखनी है कि ह्यूमैनिटेरियन डे वो कब मनाया जाता है। अब बात ऐसी है कि जिन लोगों ने ऑल ओवर वर्ल्ड में ह्यूमैनिटेरियन मतलब कि मानवता के लिए अच्छा काम किया है उन लोगों को इस दिन याद किया जाता है, उनको कहीं ना कहीं मन में किसी उनके लिए सम्मान है वो रखा जाता है, वो इसी उपलक्ष्य में 19 अगस्त को ह्यूमैनिटेरियन डे है वो मनाया जाता है। तो इस बार एक कैंपेन चलाया गया इसी दिन, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के दिन, और उस कैंपेन की जो थीम है वो थी #NotATarget। जैसे आप कमेंट बॉक्स में चलो ये बताइए, कैंपेन चला था पहले कुछ लास्ट ईयर जिसका नाम था मी टू, #MeToo। ये कैंपेन किस लिए चलाया गया था? देखो, कई बार यूपीएससी इस तरीके की चीज़ें वो पूछ लेती है, करंट अफेयर्स से जो चीज़ें कनेक्ट होती हैं वो। तो ये जो यहाँ पे कैंपेन चलाया गया है #NotATarget, ये बेसिकली इसलिए चलाया गया है क्योंकि देखो आज हम एक चीज़ देखें ऑल ओवर वर्ल्ड में तो वो ये कॉमन हो गई है कि पूरे विश्व में हर जगह कहीं ना कहीं सिविल वॉर है, सिविल लड़ाई है वो जारी है। मतलब कहीं ना कहीं आर्मी की लड़ाई है, उसके बीच में सेना, उसके बीच में सॉरी जो सिविलियंस हैं, आम सिविलियंस हैं जो कि निर्दोष हैं वो फंस रहे हैं। आर्मी पूरे विश्व में कहीं ना कहीं उसका लड़ाई आप देख सकते हो। एग्जाम्पल आप ले सकते हो सीरिया का, ये देखो सीरिया के अंदर जो सिविलियंस हैं वो निर्दोष मारे जा रहे हैं। बात हम कर सकते हैं अफगानिस्तान की कि अफगानिस्तान के अंदर भी सिविलियंस हैं वो निर्दोष मारे जा रहे हैं। तो मतलब कहीं जो आर्मी का कॉन्फ्लिक्ट, जो आम कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसके बीच में निर्दोष सिविलियंस हैं उनकी जाने जा रही हैं, और उन्हीं को बचाने के लिए ही एक एक्चुअली कैंपेन चलाया गया है जिसका नाम है #NotATarget। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि आम कॉन्फ्लिक्ट से सिविलियन को बचाने के लिए कैंपेन चलाया गया था जिसका नाम है #NotATarget, जो कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के दिन चलाया गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बन जाता है। अब हम बात करें वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में। 2008 में हुआ ये था कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली थी उसमें एक रिजोल्यूशन था, तो यूपीएससी इस रिजोल्यूशन पे भी क्वेश्चन है वो पूछ सकती है। रिजोल्यूशन पे थोड़ा आप एक बार ध्यान रखना माइंड में, पूरा रटने की कोई जरूरत नहीं। रिजोल्यूशन है #A/63L49। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना कि ऐसा ऐसा रिजोल्यूशन है वो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे से रिलेटेड है। काम इसका यही था कि जो मानव है इसके लिए सेफ्टी है वो सिक्योर करना, सिक्योरिटी है, ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह लोगों को वो प्रोवाइड करवाने के लिए बेसिकली इसकी स्टार्टिंग है वो की गई थी। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो आया है एक्सरसाइज मैत्री 2018 के बारे में। देखो, कंटेक्स्ट बहुत सिंपल है कि मैत्री एक्सरसाइज का 2018 का जो एडिशन है वो अभी एक तरीके से सफलतापूर्वक मतलब उसको कंप्लीट है वो किया गया है। 6 अगस्त से लेकर 19 अगस्त के बीच में ये एक्सरसाइज है वो की गई थी, इसमें मॉक ड्रिल हुई थी, ट्रेनिंग वगैरह वो प्रोवाइड करवाई गई थी। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये होता है हमारे लिए कि भाई जो मैत्री एक्सरसाइज थी वो सबसे पहली बात तो है कि आर्मी की एक्सरसाइज है, नेवी की एक्सरसाइज है या फिर एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, इसके साथ ही कौन कौन सी कंट्री के बीच में, ये दो चीज़ें हमें थोड़ी यहाँ पे ध्यान है वो रखनी होती हैं। तो देखो, जो मैत्री एक्सरसाइज है वो इंडिया और थाईलैंड के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच में है। काम देखो बेसिकली इसका क्या बेनिफिट होगा, हम बात करें इसके बेनिफिट की तो एक तो देखो दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशन है वो इम्प्रूव होंगे, इसके साथ ही जो भी इंसिडेंट्स या जो भी आतंकवादी छोटे छोटे ग्रुप फैले हुए हैं उनसे टेररिज्म होगा, इनसे निपटने के लिए कहीं ना कहीं एक्सरसाइज है वो काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। मान लो कि कभी फ्यूचर में इंडिया को थाईलैंड के साथ कोई भी वहाँ पे अभियान वगैरह चलाना हो, कोई भी ऑपरेशन चलाना हो थाईलैंड की भूमि पर, तो उस कंडीशन में भी इंडिया को वहाँ के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, उनकी नई टेक्निक्स वगैरह हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, और इंडिया की भी कोई नई टेक्निक्स हैं उनके बारे में आपस में एक्सचेंज वगैरह और नॉलेज का वो सब एक्सरसाइज के थ्रू किया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखने की मैत्री एक्सरसाइज है वो आर्मी एक्सरसाइज है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस को लेके। देखो, 11वां जो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का सेशन है वो मॉरिशस में आयोजित है वो होना है, इसी साल ही आयोजित होना है, तो ये चीज़ थोड़ी हमें ध्यान है वो रखनी है। काम क्या होगा इस वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का? वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का काम ही होगा कि जो हिंदी स्कॉलर्स होते हैं डिफरेंट, या फिर हिंदी के जो राइटर्स होते हैं, या फिर हिंदी के और जो प्रकांड विद्वान वगैरह हैं, वो लोग क्या करेंगे यहाँ पे आपस में हिंदी के बारे में डिस्कशन हो, उसके बारे में हिंदी को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी बातें वगैरह की जाती हैं, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसी के साथ ही इसका एक मोटो ये भी है कि यूनाइटेड नेशन की जो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं
उनके अंदर एक हिंदी को भी ऐड किया जाए, तो मतलब हिंदी को मिला के कुल वहाँ पे 7 ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की बात है वो की जा रही है, और इसी का यहाँ पे पुरजोर सपोर्ट है वो किया जा रहा है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हिंदी कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट फीचर इस बार का यही है कि 11th जो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस है वो इंडिया के बाहर मॉरिशस में हो रही है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। हम बात करें इसके लास्ट सेशन की, तो देखो इसका जो लास्ट सेशन था 15 में हुआ था, वो था 10th सेशन, तो मतलब 10वां सत्र था या 10वां सेशन था वो भोपाल में इंडिया में ही आयोजित किया गया था। हर 3 साल में इसका एक सेशन है वो आयोजित किया जाता है, तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है कि हर साल नहीं होता भाई, हर 3 साल में एक बार। 2015 में इंडिया में भोपाल में हुआ, 2000 बात करें 18 की तो वो आयोजित किया जा रहा है मॉरिशस में। इसी के साथ ही इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि भैया ओब्वियसली हिंदी की बात आ रही है तो पहला सेशन कहाँ हुआ था, इसकी शुरुआत है वो इंडिया के नागपुर जो कि महाराष्ट्र में आता है वहाँ से 1975 में स्टार्ट है, वो किया गया था वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस को। काम मैंने से आपको बताया कि हिंदी है इसको प्रमोट करना है ऑल ओवर वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पे, इसी के साथ ही यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए भी इसका सपोर्ट है वो किया जा रहा है कॉन्फ्रेंस का। इस बार की जो थीम है 11th हिंदी कॉन्फ्रेंस की वो यह है वैश्विक हिंदी और भारतीय संस्कृति। थीम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में सेम है, तो थीम थोड़ी हमें ध्यान है वो रखनी है। इसी के साथ ही हम बात करें जो वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट की वो मॉरिशस में है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है, तो भाई वो मॉरिशस में है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ये 2-4 फैक्ट्स है इसके बारे में जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वह है मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन के बारे में। देखो नासा है उसने मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए, मार्स के बारे में स्टडी करने के लिए, मतलब मंगल ग्रह के बारे में स्टडी करने के लिए, उसके बारे में और भी बहुत सी नॉलेज जानने के लिए ही एक मिशन चलाया था जिसका नाम है मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन। तो ये चीज़ हमें पहला चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि मार्स जो एक्सप्लोरेशन मिशन है वो नासा का है, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बन जाता है। अगली बात यह है कि अभी ये न्यूज़ में क्यों है, अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो एक रोवर यूज किया जा रहा है उसका नाम है क्यूरोसिटी, तो उसने अभी वहाँ के डाटा वगैरह वो भेजे हैं उसको लेके भी न्यूज़ आई थी। तो देखो वैसे तो हम इन चीज़ों को बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्बिटर क्या होता है, लैंडर क्या होता है, रोवर क्या होता है, बट एक बार फिर भी वापस एक बार हम जल्दी से इनको रिवाइज कर लेते हैं। देखो बात करें हम लैंडर की, तो लैंडर का मतलब क्या होता है, स्पेस क्राफ्ट है। देखो जो ही धरातल पे आप हो सकते हो कि लैंड के ऊपर लैंड करेगा, मतलब कहीं ना कहीं, तो जैसे कि एरोप्लेन है वो आपको बताया कि रनवे वगैरह वहाँ पे लैंड करता है, तो उसी तरीके से जो हम यहाँ से सेटेलाइट वगैरह के थ्रू जो भी हम स्पेस के लिए मिशन भेजते हैं, तो वो चांद हो या फिर मून, चांद की एग्जाम्पल ले लो या फिर आप मंगल का एग्जाम्पल ले लो, तो मंगल की जो लैंड हो गया, मंगल की जमीन पर जो लैंड करेगा उसको तो बोलते हैं लैंडर, मतलब लैंड करने वाला हो गया वो होगा लैंडर। रोवर क्या होता है, इस लैंडर के अंदर ही एक रोन एक ऐसी गाड़ी सी होती है जो क्या करती है पूरी सरफेस पे घूमती रहती है इधर उधर, वो जो डाटा है वो प्रोवाइड करवाती है। और ऑर्बिटर का काम क्या होता है, ऑर्बिटर है वो बेसिकली रोवर का जो भी डाटा है वो हमारी अर्थ तक पहुंचाने का बेसिकली काम करता है, तो एक तरीके से इंटरमीडिएट का काम करता है। और ये जो ऑर्बिट होती है, जैसे कि मान लो ये हमारा मंगल ग्रह है, तो मंगल ग्रह की जो ऑर्बिटर होगी, ये ऑर्बिटर इस ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहेगा और आपस में जो रोवर का डाटा है वो हमारी अर्थ तक प्रोवाइड करवाएगा और अर्थ के सिग्नल रोवर तक प्रोवाइड करवाता है, तो एक तरीके से सेटेलाइट का काम है वो करता है। तो ये ध्यान रखना है, ऑर्बिटर है वो ऑर्बिटर में चक्कर लगाता है, लैंडर है वो लैंड करने का काम करता है, और रोवर होता है वो सरफेस के ऊपर मूव इधर उधर करता है और वहाँ से जो भी डाटा है उनके बारे में आगे उनको फैलाता है। तो ये बेसिकली 3 चीज़ें हैं, इनके बारे में थोड़ा हमें मैच द फॉलोइंग में पता होना चाहिए, यूपीएससी की बार पूछ सकती है। तो अभी जो नासा का जो मिशन था मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन, इसमें जो रोवर है इसका नाम है क्यूरोसिटी, तो यूपीएससी इस पे क्यूरोसिटी के बारे में भी पूछ सकती है कि ये रिसेंटली न्यूज़ में था क्या चीज़ है। इसी के साथ जैसा मैंने आपको बताया कि अभी ये वहाँ पे इन्वायरमेंट के लिए स्टडी वगैरह कर रहा है कि भाई वहाँ पे लाइफ ये तरीके से पॉसिबल है या नहीं है, तो अभी वहाँ पे काफ़ी रॉक की चट्टानें हैं, रॉक्स वगैरह है वो पाई गई हैं, उनके जो डिफरेंट स्ट्रक्चर वगैरह हैं वो उनको आइडेंटिफाई किया गया है, तो वो सब तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्यूरोसिटी क्या है और मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन किसका है, ये 2 फैक्ट हमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है पिच ब्लैक एक्सरसाइज के बारे में। देखो पिच ब्लैक जो एक्सरसाइज है वो एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी कंट्रीज हैं, 16 कंट्री हैं इसमें शामिल है, तो सारी 16 कंट्री के नाम याद रखना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अहम इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस बार बन सकता है वो ये है कि इंडिया ने भी इस बार इसमें पार्टिसिपेट है वो किया है पहली बार। अब हम बात करें बेसिकली, देखो जो पिच ब्लैक एक्सरसाइज थी ये स्टार्ट की गई थी ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के द्वारा 1981 में। हाँ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो इसका पहला एडिशन था वो 1981 में सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा स्टार्ट है वो किया गया था, जबकि इस बार का जो सेशन है पिच ब्लैक एक्सरसाइज का वो बेसिकली रॉयल ऑस्ट्रेलियन जो एयरफोर्स है उसके द्वारा होस्ट किया गया था
ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है जिसका नाम है डार्विन, तो उस जगह पे बेसिकली इस एक्सरसाइज को अंजाम है वो दिया गया था। और इस बार की एक्सरसाइज काफी अहम हो जाती है, उसका एक फीचर ये भी है कि पहली बार ऐसा हुआ था कि पिच ब्लैक एक्सरसाइज है इसका जो एडिशन है वो दिन और रात दोनों में किया गया था, मतलब डे एक्सरसाइज भी की गई थी और नाइट एक्सरसाइज है वो भी की गई थी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि भाई इसका डे वर्जन भी लाया इस बार लॉन्च किया गया था और नाइट वर्जन है वो भी किया गया था, मतलब एक्सरसाइज है वो दिन में भी कंडक्ट की गई थी और नाइट में भी कंडक्ट है वो की गई थी, डिफरेंट जो एयरक्राफ्ट है वो उसमें शामिल हुए थे, तो वो चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बेनिफिट इसका देखो ये होगा, एक तो आपस में जो 16 कंट्री हैं इसके बीच में रिलेशन है वो इम्प्रूव होंगे, इसके साथ ही आपस में नॉलेज है वो एक्सचेंज कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसके इस चैलेंज को निपटने के लिए क्या क्या स्टेप उठाए जा सकते हैं वो सब हम चीज़ें यहाँ पे सीख सकते हैं। इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखने की इंडिया ने भी इस बार में पार्टिसिपेट है वो किया, तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बन जाता है। चलो आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि इंडिया और बात करें हम पाकिस्तान की तो इन दोनों की कौन सी ज्वाइंट एक्सरसाइज होती है, कोई भी ज्वाइंट एक्सरसाइज है आप बताइए जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों शामिल है, कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो आया है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलेना के बारे में, तो कंटेक्स्ट कुछ इस प्रकार है कि देखो जो एक हेलेना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है इसका अभी सफल परीक्षण है वो किया गया था राजस्थान के पोखरण टेस्ट रेंज में। देखो पोखरण अभी काफी न्यूज में भी था क्योंकि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी उन्होंने यहाँ पे काफी परीक्षण वगैरह करवाए थे और उसी की वजह से इंडिया है वो एक तरह से न्यूक्लियर पावर है वो बना था, तो वो सारी काफी बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो अभी न्यूज में भी यह है तो ये ध्यान रखना है कि हेलेना क्या है, पहला क्वेश्चन यही बन जाता है हेलेना क्या है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो इसमें अभी आर्मी का जो हेलीकॉप्टर था उसकी हेल्प से इसको भी मतलब लॉन्च है वो किया गया था। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि जो नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है उसी का ये वर्जन है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि हेलेना क्या है, हेलेना है वो नाग जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है उसी का नया वर्जन है, तो यहाँ पे ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है हेलेना और नाग में। बात करें हम इसकी रेंज की तो वह शॉर्ट रेंज है, 7 से 10 किलोमीटर तक की रेंज में चीजों को डिस्ट्रॉय वो कर सकती है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक और मिसाइल को लेके आया है वो भी हम देख लेते हैं, दूसरा ये है लाइट वेट ग्लाइड बॉम्ब स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, मतलब SAAW का मतलब है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड जो वेपन है ये बेसिकली होता क्या है पहले तो इसकी तरफ हम जानते हैं। देखो एंटी एयरफील्ड वेपन का मतलब वो होता है जब भी देखो एयरफोर्स का बेसिकली काम क्या होता है, एयरफोर्स के लिए सबसे पहले अहम बात होती है रनवे की, रनवे की हेल्प से जो जो होते हैं एयरक्राफ्ट होते हैं वो रन करते हैं, मतलब या तो उड़ान भरते हैं या फिर लैंड करते हैं बेसिकली। अगर आप ये सोचो कि जो रनवे है इसी को अगर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो ना तो जो एयरक्राफ्ट है वो उड़ सकेंगे और जो उड़ रहे हैं वो ना नीचे उतर सकेंगे, तो बेसिकली जो एंटी एयरफील्ड वेपन होते हैं इनका काम ये होता है कि रनवे वगैरह को डिस्ट्रॉय करना ताकि यहाँ से चीज़ें और लैंड वगैरह ना हो, मतलब यहाँ से ना तो चीज़ें लैंड कर सकती हैं यहाँ पे फिर और ना ही यहाँ से कोई और चीज़ें वो उड़ सकती हैं, तो उसी के लिए हमें ध्यान रखना है एंटी एयरफील्ड वेपन वो होते हैं जो कि रनवे जैसी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो अभी इसका भी एक सफल परीक्षण है वो किया गया था चंदन रेंज में जो कि एक पोखरण में, इसकी रेंज थी वो 100 किलोमीटर थी, तो यह एक तरह का बॉम ही था, मतलब छोटा बम था जो उसमें एक्चुअली 100 किलोमीटर तक की जो एरिया होता है उसमें यह डिस्ट्रॉय है वो कर सकता है, तो अभी इसका परीक्षण है वो किया गया, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। यहाँ पे सेकेंड जो इम्पोर्टेंट चीज वो हमारे लिए यही है कि एंटी एयरफील्ड वेपन होते गए, तो जैसा मैंने आपको बताया कि एंटी एयरफील्ड वेपन का मतलब ये होता है कि एयर डिफेंस से निपटने के लिए पहले ही खत्म कर दिया जाए, मतलब चीजों को रनवे पे उड़ने से पहले ही रनवे वगैरह को खत्म कर दें ताकि वहां से चीज उड़ ही ना सके या वहां पे ना वापस में कोई चीज वापस नीचे उतर सके, तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी देखो जो ये हेलेना एक मिसाइल थी या फिर हम बात कर सकते हैं कि जो एंटी एयरफील्ड वेपन बनाया गया था ये बनाया गया था बेसिकली एंटी गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, तो अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इंटीग्रेटेड गाइडेड डेवलपमेंट मिशन प्रोग्राम है क्या। देखो बेसिकली बात ऐसी है 1971 के टाइम पे जो वॉर हुआ था इंडिया का पाकिस्तान के साथ बेसिकली जो ईस्ट पाकिस्तान के लिए हुआ था उस टाइम पे, तो उसमें इंडिया ने देखा कि यार कोई भी पड़ोसी कंट्री से यूएसए का एग्जांपल ले लो बेसिकली कि कितनी हेल्प यूएसए ने की थी, तो इंडिया को लगा कि यार हमें खुद का हमारा एक डिफेंस सिस्टम है वो तैयार करना होगा, हमें खुद की हमारी मिसाइल वगैरह है वो तैयार करनी होगी, और उसी दौरान क्या ये स्टार्ट किया गया था बेसिकली डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये प्रोग्राम लाया गया था। इसका मेन मोटिव ये था कि इंडिया के अंदर मिसाइल वगैरह है उनको डेवलप किया जाए, इंडिजनस मतलब स्वदेशी मिसाइल है उनको बनाया जाए, तो बेसिकली डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO है और हमारे देश का जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड है इन दोनों ने मिलकर इसको स्टार्ट है वो किया था। तो प्रोजेक्ट तो स्टार्ट हुआ था 1982-83 के आसपास, इसके बाद में हुआ क्या था अब्दुल कलाम ने इसको और पॉपुलर बना दिया था क्योंकि उस 2008 में काफी सारी मिसाइलें
उनका सफल परीक्षण किया गया था। आप कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इंटीग्रेटेड गाइडेड डेवलपमेंट मिसाइल प्रोग्राम है, इसमें कौन कौन सी मिसाइलें वो डेवलप की गई थी, क्योंकि इस पे यूपीएससी ने एक बार पहले क्वेश्चन पूछा है तो वापस भी पूछा जा सकता है। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन। फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।